बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इन फ्री वी में खुश आमदीद। आज 12 सितंबर 2024 रोज़ जुमेरात 9 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वज़ीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें, आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के हवाले से आर्मी अदालत की करारदाद पर अमल किया जाए। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का 162वां बाकायदा इजलास मंगल को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में लीग के हेडक्वार्टर में मुनक़द हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरब वज़ीर ख़ारजा ने आलमी अदालत इंसाफ की मशावरती करारदाद को फ़ाल बनाने और उस पर अमल करने का मुतालबा किया है, जिसमें आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के कब्ज़े को नाजायज़ और गैर मुनसफाना करार देते हुए इनखला का मुतालबा किया है। आलमी अदालत इंसाफ ने अपनी मशावरती करारदाद में इसराइल से यहूदी आबादकारी को कतई तौर पर बंद करने का भी मुतालबा किया है। सऊदी अरामको के चीनी कंपनियों के साथ मुआहदे। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के मौके पर चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अरामको ने पेट्रो केमिकल जो है उसकी रोंग शिन कंपनी के साथ तरक्याती फ्रेमवर्क के माहदे पर इब्तदाई डॉक्यूमेंट, जबकि हैंगली ग्रुप कंपनी के साथ स्ट्रेटजिक तामन के माहदे किए हैं। अरामको के शोबा रिफाइनिंग एंड केमिकल के सदर मोहम्मद अल-कहतानी ने बताया कि किए जाने वाले माहदे चीनी शराकत दारों के साथ करीबी तावन पैदा करने और तवील मुद्दत मुश्तरक मफादात के हवाले से अहम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रिफाइनिंग केमिकल्स और मार्केटिंग के शोबे के हवाले से चीन का शुमार आर्मी तरक्की की हिकमत अमली मुरतब करने वाले अहम मुल्कों में होता है। ताइफ में ऊंट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब 57 मिलियन रियाल के नमाद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर निगरानी सऊदी कैमल फेडरेशन की जानब से 6ठे वली ऊंट फेस्टिवल की जो है इख्तितामी तकरीब रेस ग्राउंड ताइफ में मुनक़द की गई। सऊदी खबर एजेंसी एस पी के मुताबिक नायब गवर्नर मकम खरमा रीजन शहज़ादा सऊद बिन मशान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इख्तितामी तकरीब की सदारत की। ऊंट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के 4 राउंड थे। ऊंट रेस के लिए 6 किलोमीटर की मुसाफत जो है वो मुकर्रर की गई थी, जिसमें 107 शुदरबानों ने हिस्सा लिया। ऊंट रेस के लिए मजमूई तौर पर 57 मिलियन रियाल के इनामात रखे गए थे, जो मुकामी और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले शुदरबानों में तकसीम किए गए। पहला इनाम 10 लाख रियाल और एक राइफल सऊदी शुदरबान हफीज़ सईद अलमरी को दिया गया, जिसने 9 मिनट 13 सेकंड में रेस जीती। दूसरे राउंड को जो फाते हैं उसको भी 10 लाख रियाल और एक राइफल देगी, जिसने 9 मिनट 22 सेकंड जो है उसमें फासला तय किया। वादे रहे फेस्टिवल का आगाज 10 अगस्त को हुआ था, जिसके तहत 350 राउंड्स खेले गए, जबकि फाइनल राउंड 11 दिनों तक जारी रहा है। सऊदी अरब को रवां साल पाकिस्तान में अपना पहला पेट्रोल पम्प खोलेगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने कहा कि वो इस साल के आखिर में पाकिस्तान में अपने पहले पेट्रोल पंप का इफ्तिताह करेगी। अरामको इससे पहले ही गैस एंड ऑयल पाकिस्तान गो के 40% शेयर्स की मलकियत हासिल कर चुकी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरामको दुनिया के कई ममालिक में अपना नेटवर्क रखने वाली तवानाई और केमिकल्स की सऊदी कंपनी है, जो दुनिया में भेजे जाने वाले हर 8 बैरल तेल में एक पैदा करती है। दुनिया दूसरी जानब गैस एंड ऑयल पाकिस्तान की बड़ी रिटेल और स्टोरेज कंपनियों में से एक है। अरामको के मीडिया के शोबे ने अरब न्यूज़ को ईमेल के जरिए बताया कि हम अरामको के इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में पहले पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर देंगे। जब उसके मुकाम के बारे में फैसला होगा तो मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। इससे पहले मार्च में अरामको ने चिली की एक कंपनी एस मैक्स डिस्ट्रीब्यूशन SPM में 100% इक्विटी शेयर्स भी हासिल कर लिए थे। अरामको के मसनूआत और कस्टमर्स के शोबे के एग्जीक्यूटिव नायब सदर यासिर मुफ्ती ने मई में गो कंपनी से मुआहदे के बाद एक बयान में कहा था कि हमारी कंपनी के आलमी सतह पर फैलाव की रफ्तार बढ़ रही है और गो का हसूल हमारे सफर का पहला मकसद है और कदम है। एक साल के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड के 26 वाकयात। काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस को 2023 के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड की 26 रिपोर्ट्स जो हैं वो मौसूल हुई हैं। इस साल 4 सर्विस से प्रोवाइडर्स को हेल्थ इंश्योरेंस के काम से रोक दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक काउंसिल ने बताया जो है कि गुज़श्ता साल के दौरान इंश्योरेंस कंपनियों के 80 दौरों के अलावा 4462 सुपरवाइजरी दौरे और 1158 खुफिया छापे मारे गए। इस दौरान सर्विस फ्राहम करने वालों पर 1686 खिलाफ वर्जियाँ, इंश्योरेंस कंपनियों पर 499 खिलाफ वर्जियाँ, 665 जो है कफीलों को वार्निंग और नफीस प्लेटफॉर्म पर अमल न करने पर 748 की वार्निंग भी जारी की गई है।
कानूनी मुद्दत से तजावज़ करने वाली 393 शिकायत का अजाला भी किया गया। 633 खिलाफ वर्जियों को हेल्थ इंस्टीट्यूशन वायलेशन कमेटी के पास भेज दिया गया, जबकि मौसूल और आउटगोइंग कॉल्स की मजमू तादाद 788,405 तक पहुँच गई है। कौंसिल ने गुज़श्ता जो है एक साल के दौरान हेल्थ के शोबे में तब्दीली और इंश्योरेंस अथॉरिटी के क्याम के लिए हिकमत अमली अपनाने की तजवीज़ पेश की थी। और दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में दांतों के 4 किस्म के जो इलाज शामिल नहीं होते। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने पॉलिसी की मुद्दत के दौरान बीमा वालों के लिए दांतों और जो मसूड़ों हैं उसके इलाज की जो इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स जारी कर रखी हैं। डिटेल्स में कहा गया है कि इस पॉलिसी में 4 चीज़ें शामिल नहीं होती, जिसमें दांतों की पैवंदकारी, मसनू दांत, जड़ें या दांतों का हिलना चलना है। और इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि जो बीमा पॉलिसी होल्डर्स हैं वो मुतफिका डॉक्यूमेंट में दांतों और मसूड़ों के इलाज को शामिल किया गया है। पॉलिसी के दौरानिया में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रियाल के साथ एक बार दांतों की सफाई भी शामिल है। कौंसिल ने वादे किया कि दांतों की पैवंदकारी, मसनूई दांत फिक्स या मुतहरिक जड़ों वाले दांतों से मुतलिक तमाम अखराजात उस पॉलिसी में शामिल नहीं होते हैं। वजारत तजारत ने वादे किया है कि 3 किस्म के डिस्काउंट ऐसे हैं जो कि कस्टमर को पता होने चाहिए। वजारत ने कहा इस बात को यकीनी बनाने के लिए जो है वो यकीनी बनाया जाए कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो दुकान है या जो वो रायती लाइसेंस जो है उसने हासिल किया हुआ है और उसने दुकान पर उसको चिस्पा किया हुआ है। और इसके अलावा जो लाइसेंस के बारकोड को स्कैन करके आप डिस्काउंट की तस्दीक कर सकते हैं। वजारत तजारत ने डिस्काउंट की शरह को वाज़ेह करने और प्रोडक्ट के लेबल पर उससे पहले की और बाद की प्राइस लिखने के बारे में भी जोर दिया है। कार डीलर स्पेयर पार्ट्स वक्त पर फ्राहम करने के पाबंद हैं। सऊदी वजारत के मुताबिक कार डीलर इस बात के पाबंद हैं कि कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस और मतलूबा पार्ट्स की मुस्तकबिल जो है उसकी मुस्तकिल बुनियादों पर जो है फ्राहमी यकीनी बनाएं। और इसके अलावा जो है वजारत के जवाबत के तहत कार डीलर इस बात के भी पाबंद हैं कि वो फरोख्त की जाने वाली गाड़ियों की सर्विस और मतलूबा जो पार्ट्स हैं उसकी फ्राहमी को यकीनी बनाएं। ऐसे पार्ट्स जो डीलर के पास दस्तियाब ना हों उन्हें फ्राहम करने का दौरानिया 14 दिन मुकर्रर है। इस दौरान डीलर इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपने कस्टमर को मुकर्रर मुद्दत तक दरकार पार्ट्स फ्राहम करें। वजारत तजारत की टीमें बाज़त फरोख्त सर्विस और पार्ट्स की मुस्तकिल बुनियादों पर फ्राहमी और पार्ट्स की जो है फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए डीलर्स के शोरूम्स का दौरा करती हैं ताकि कस्टमर को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वाज़ह है सऊदी अरब में वजारत तजारत के जवाबत के मुताबिक ना सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि बिजली और इलेक्ट्रॉनिक आलात की वारंटी के बाद अज फरोख्त सर्विस के जवाबत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है ताकि सार्फिन के हकूक के तहफ़ को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से मुतासर सार्फिन किसी भी तखीर या दुश्वारी की सूरत में वजारत तजारत के शिकायत सेल से रजू कर सकते हैं, जहां मुकर्रर टीमें फौरी कार्रवाई करते हुए मसनूआत के डीलर से रब्ता करके शिकायत का अजाला कर सकती हैं। अरब चीते के शिकार पर सजा 4 लाख रियाल है। शाह समाप नब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खतरे से 2-4 जंगली हयातियात के शिकार पर जुर्माना मुकर्रर कर रखा है। उन्होंने वजाहत की कि जुर्माने में अरब चीते के लिए 4 लाख रियाल, अरबी भेड़िए के लिए 80,000 रियाल और सुर्ख लोमड़ी के लिए 60,000 रियाल और रेत की बिल्ली के लिए 70,000 रियाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जंगली हयात को मादूमियत से बचाने के लिए की जाने वाली जो कोशें हैं वो उसमें जो शिकार जो है उसमें ममानियत पर जोर देती हैं। उन्होंने कहा कि जंगली हयातियात जितनी भी हैं और उनके शिकार पर जो सज़ाएँ हैं वो मुकर्रर कर रखी हैं। माहरीन ने आराम करने के आसान तरीके के तौर पर कुछ लोगों के खाने के फौरन बाद शावर, जो गर्म शावर लेने से नतज से खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि गर्म पानी से नहाने से पहले खाने के बाद कम से कम 30 मिनट का इंतज़ार करना चाहिए। और मिरर अखबार है उसके मुताबिक माहरीन ने खाना खाने के फौरन बाद नहाने के असरात की निशानदेही की, जब से जिनमें सबसे अहम खून के बहाव को मोड़ना है, चूँकि खाना खाने के बाद जिस्म अपनी तवज्जो हाजमे की तरफ मोड़ देता है जिसके लिए मैदे और आंतों में खून के बहाव में इजाफा होता है। यह ऑक्सीजन और गजाई अज्जा फ्राहम करता है जिसकी ज़रूरत जो है हजम के जो निज़ाम हजम है उसके अज़ा को खुराक को मौसर तरीके से तोड़ने के लिए होती है। जितना ज़्यादा खून मैदे की तरफ जाता है निज़ाम इन्हज़ाम की कारकर्दगी उतनी ही बेहतर होती है। बात करेंगे हम सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं, फौरी बैंक दे रहा है 73.50 रुपये, SCCP दे रहा है 73.33 रुपये, तहवील अराजी दे रहा है 73.35 रुपये, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73.65 रुपये,
मनीग्राम 73 रुपये 32 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 30 पैसे, इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 18 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 94 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 22 रुपये 8 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 82 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 80 पैसे दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मजीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।